2021 का 16th मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें आरसीबी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिए। राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी शुरुआत में खराब रहा और जॉस बटलर से जो उम्मीद रखी गई थी उसपे वे प्रभाव नहीं दिखा पाए और वे केवल 8 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वहीं मनन बोहरा भी मैदान पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। वे केवल 7 रन बनाकर जामिसन की गेंदबाजी में रिचर्डसन को कैच देकर आउट हुए। जॉस बटलर के बाद उतरे संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी करके 18 गेंदों में 21 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी में मैक्सवेल को कैच देकर आउट हुए। वे शिवम दुबे के साथ 25 रनों की साझेदारी बनाए। चौथे स्थान पर उतरे डेविड मिलर बिना कोई रन बनाए मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। डेविड मिलर के बाद उतरे शिवम दुबे शानदार बल्लेबाजी करके 32 गेंदों में 46 रन बनाकर रिचर्डसन की गेंदबाजी में मैक्सवेल को कैच देकर आउट हुए और वे केवल 4 रन के लिए अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। संजू सैमसन के बाद उतरे रियान पराग शानदार बल्लेबाजी करके 16 गेंदों में 25 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में चाहल को कैच देकर आउट हुए। पराग के बाद उतरे राहुल तिवाटिया शानदार शुरुआत दिए। वे केवल 23 गेंदों में 40 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में शाहबाज अहमद को कैच देकर आउट हुए। शिवम दुबे के बाद उतरे क्रिस मॉरिस 7 गेंदों में 142.86 स्ट्राइक रेट के साथ एक छक्के की मदद से 10 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में चाहल को कैच देकर आउट हुए। नवे स्थान पर उतरे श्रेयस गोपाल केवल 7 रन बनाए और चेतन सकारिया बिना कोई रन बनाए हर्षल पटेल की गेंदबाजी में एवी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज द्वारा शुरुआत किया गया। मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए और जामिसन अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7 इकोनॉमी रेट के साथ 28 रन देकर 1 विकेट लिए और उनके शिकार बने मनन बोहरा। वही रिचर्डसन अच्छी गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 9.67 इकोनॉमी रेट के साथ 29 रन देकर 1 विकेट लिए। उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट शिवम दुबे का लिया। युजवेंद्र चाहल इस मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 2 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 18 रन दिए। वाशिंगटन सुंदर अच्छी गेंदबाजी करके 3 ओवर में 7.61 इकोनॉमी रेट के साथ 23 रन देकर 1 विकेट लिए और वे संजू सैमसन का विकेट लिए और हर्षल पटेल अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 11.75 इकोनॉमी रेट के साथ 47 रन देकर 3 विकेट लिए और बहुत एक्सपेंसिव रहे और उनके शिकार बने रियान पराग, क्रिस मॉरिस और चेतन सकारिया। मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6.75 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 3 विकेट लिए और उनके शिकार बने जॉस बटलर, डेविड मिलर और राहुल तिवाटिया। शिवम दुबे जबरदस्त बल्लेबाजी करके 32 गेंदों में 143.75 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 46 रन बनाकर रिचर्डसन की गेंदबाजी में ग्लेन मैक्सवेल को कैच देकर आउट हुए। वे केवल 4 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। वे पहले संजू सैमसन के साथ 25 रनों की साझेदारी, फिर रियान पराग के साथ 66 रनों की साझेदारी और आखिरी में राहुल तिवाटिया के साथ 24 रनों की साझेदारी बनाए। राहुल तिवाटिया शानदार शुरुआत करते हुए शिवम दुबे के साथ 24 रनों की साझेदारी बनाए और फिर क्रिस मॉरिस के साथ 37 रनों की साझेदारी बनाए। वे केवल 23 गेंदों में 172.91 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में शाहबाज अहमद को कैच देकर आउट हुए।
रियान पराग शानदार बल्लेबाजी करके शिवम दुबे के साथ 66 रनों की साझेदारी बनाए। वे 16 गेंदों में 156.25 स्ट्राइक रेट के साथ चार चौके की मदद से 25 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में युजवेंद्र चाहल को कैच देकर आउट हुए। 178 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे आरसीबी के ओपनर द्वारा जबरदस्त शुरुआत रहा। कप्तान विराट कोहली शुरुआत से ही पूरी संयम से बल्लेबाजी किए। वे शानदार खेल खेलकर 47 गेंदों में 72 रन बनाकर अजय रहे। वे अपने करारे शॉट से राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के नाक पर दम कर दिए और साथ ही देवदत्त पाड़ीकल भी जबरदस्त बल्लेबाजी करके चौके छक्कों की बरसात किए। वे केवल 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किए और फिर कमाल की पारी खेलकर अपना शतक भी पूरा किए। वे जबरदस्त करारे शॉट लगाकर विराट के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर राजस्थान रॉयल्स को धूल चटाए। वे 52 गेंदों में 101 रन बनाकर अजय रहे। दोनों बल्लेबाजों की कमाल की पार्टनरशिप। इसी के साथ आरसीबी 10 विकेट से जीत हासिल किए और यह उनका लगातार 4 मैचेस में जीत। इसी के साथ वे अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देवदत्त पाड़ीकल को दिया गया। राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी श्रेयस गोपाल द्वारा शुरुआत किया गया। श्रेयस गोपाल इस मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 3 ओवर में 11.67 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन दिए और चेतन सकारिया 4 ओवर में 8.75 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन दिए। क्रिस मॉरिस भी कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 3 ओवर में 12.67 इकोनॉमी रेट के साथ 38 रन दिए। मुस्तफिजुर रहमान 3.3 ओवर में 9.71 इकोनॉमी रेट के साथ 34 रन दिए। राहुल तिवाटिया अपने बल्ले का जादू तो दिखा पाए लेकिन गेंद से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए और वे 2 ओवर में 11.50 इकोनॉमी रेट के साथ 23 रन दिए और रियान पराग 1 ओवर डाल के 14 इकोनॉमी रेट के साथ 14 रन दिए और इस मैच में एक भी गेंदबाज अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। देवदत्त पाड़ीकल जबरदस्त बल्लेबाजी करके चौके छक्कों की बौछार किए। वे केवल 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किए और साथ ही 51 गेंदों में अपना पहला शतक पूरा किए। वे शुरुआत से कमाल की पारी खेलकर कप्तान विराट कोहली के साथ 181 रनों की साझेदारी बनाए। वे बेहतरीन खेल खेलकर 52 गेंदों में 194.23 स्ट्राइक रेट के साथ 11 चौके और 6 छक्के की मदद से 101 रन बनाकर अजय रहे और अपनी टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कप्तान विराट कोहली जबरदस्त बल्लेबाजी करके 47 गेंदों में 153.19 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 72 रन बनाकर अजय रहे। वे शुरुआत से ही शानदार खेल खेलकर देवदत्त पाड़ीकल के साथ 181 रनों की साझेदारी बनाए। वे पूरी संयम के साथ बल्लेबाजी किए। वे केवल 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके आईपीएल करियर में उनका 40वां अर्धशतक पूरा हुआ। साथ ही वे आईपीएल करियर में अपना 6000 रन भी पार किए।